बहादुरगढ़ नगर परिषद चुनाव में मिली करारी हार के बाद जिला कांग्रेस में खलबली मची हुई है। पूर्व चेयरमैन रवि खत्री ने ये कहकर और सनसनी फैला दी कि उनकी पत्नी हारी नहीं है बल्कि उन्हें भीतर घात करके हराया गया है और ऐसा करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के ही स्थानीय नेता हैं। ये सभी आरोप रवि खत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए और मामले की शिकायत पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से करने की बात कही है। रवि खत्री के आरोप हैं कि इस तरह से भीतर घात करने वालों ने पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा को हराया था और फिर राजेंद्र जून के साथ भी यही किया गया था। चलो चुनाव अर्जित होती रहती है लेकिन मैं हारा नहीं हूँ, मेरे साथ विश्वासघात करके हराया गया है, पीठ में चुरा घोपा गया है। बहादुरगढ़ शहर ने मुझे हराया नहीं है और यही मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को बताया है। निकली हुई सीट हमारी हराई गई है, शहर में गलत मैसेज पहुंचाएगी। बस मैं तो उन लोगों को ये कहता हूँ कि अपनी शुद्ध बुद्धि लाए और जिसके साथ रहे दिल से रहे, करे तेरी मदद नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, झूठा आश्वासन ना दे किसी को भी, बता दें कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस समर्थित चेयरपर्सन प्रत्याशी राम भतेरी भी पूर्व चेयरमैन रवि खत्री की पत्नी है जो चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी। रवि खत्री के माने तो लोकल नेताओं ने चुनाव प्रचार और मतदान के दिन पार्टी प्रत्याशी की वोट मांगने व डलवाने की बजाय शहर की जनता को फोन करके अन्य माध्यम से इनेलो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डलवा दिए, जिसका परिणाम कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी खत्री तीसरे स्थान पर रहीं। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि राम भतेरी की हार के बाद एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी आपस में बटे हुए हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।